असम में रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। इसके तहत 2,89,83,677 लोगों को वैध नागरिक मान लिया गया है। इस तरह से करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं। ड्राफ्ट के आते ही सियासत तेज हो गई है। TMC ने जहां असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, वहीं TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि NRC के नाम पर बंगाली लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने असम NRC पर कहा कि कई लोगों के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट नहीं होने के बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है। सही दस्तावेजों के बावजूद लोगों को ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सरनेम की वजह से बाहर किया गया है। क्या BJP सरकार जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालना चाहती है? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बंगाली लोगों को निशाना बना रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ममता ने चिंता जताते हुए कहा कि 40 लाख लोग जिन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया गया है वो कहां जाएंगे? अगर बांग्लादेश भी उन्हें वापस नहीं लेता है तो उनका क्या होगा?